दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच में बनी हुई है और हाल ही में किस तरह से मुंबई में भयंकर और जोरदार बारिश हुई है और किस तरह से पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, जोरदार बारिश होने की वजह से समुद्र का पानी भी तूफान मारने लगा है। ऐसे में समुद्र के बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे और खास करके जब भयंकर और जोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समुद्र के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली के मज़ार हैं, एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और उसकी जियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहां पर खड़े होकर जियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहां पर धर्म और मजहब का कोई बंदिश नहीं है। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज यहां पर जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामतों और अपने करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की ये दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्ला की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है तो फौरन ही यहां पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो यह है कि इसको जमीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है और यह रास्ता ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। यह पुल दोनों तरफ समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहां पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते जाते रहते हैं जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर इस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की तरफ आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि समुद्री तूफान और भारी बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक खतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से दरगाह का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। और वो यह है कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयंकर और जोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक खतरा भी नहीं जाता है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि समुद्री तूफान में समुद्र का पानी कितना ज्यादा जोर मारता है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और लहरों के अंदर कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। लेकिन समुद्र की लहरों की क्या मजाल कि समुद्र के इस पानी की क्या औकात के
वो बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सकें और आपकी ये करामात किसी से कोई छुपी हुई नहीं है। हर कोई आपकी इस करामात के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयंकर और जोरदार बारिश हो रही है, और यही नहीं, साथ ही साथ समुन्दर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर आया हुआ है। ना जाने कितने लोग इसकी वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने तूफान पर आ गया होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामात देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही हैं। ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार बारिश में पानी का एक भी कतरा आपकी मजार शरीर के अंदर नहीं जा पा रहा है। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी के तेज लहरें चल रही हैं। आपकी मजार के पास में तेज लहरें तो आती हैं, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती है। सुभान अल्लाह दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बनी बाबा हाजी अली की दरगाह सबको चौंका कर रखा है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि समंदर फटने लगा है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपके मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं, किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह के वली की मजार को कोई नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है कि समंदर में पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता है। उसके पीछे भी एक वाकया है। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली शाह बुखारी जब अपनी मां से इजाजत लेकर पहली बार जब व्यापार यानी कारोबार करने के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के ऐसे हरियाली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपने आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में ही रहकर इस्लाम का प्रचार करते हुए गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप वरले इलाके में रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखकर उसके बारे में जानकारी दे दी, और उसके बाद में आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी, वो सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी के गरीबों में दान कर दी। उसके बाद में आप इस्लाम के प्रचार के लिए निकल पड़े। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। उसके बाद में बाबा हाजी अली शाह बुखारी सबसे पहले हज के लिए मुकद्दस सफर पर गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया, मगर फिर उसी सफर के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्दे खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज उनकी दरगाह शरीफ बनी हुई है। उसमें करिश्मे की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली का ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर रुका और ना ही कहीं पर वो डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। उसके बाद बाबा हाजी अली की यह करामात जब लोगों ने देखी, तो उसी जगह पर, यानी कि जहां पर वो ताबूत आकर रुका था, उसी पर आपका मजार शरीफ बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी गई। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती हैं या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है, यानी कि कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता है। यह इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, औलिया अल्लाह के ऐसे करामात देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसे करामातों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपने मजारों के अंदर जिंदा है, और उसमें अल्लाह की बहुत ज्यादा ताकत मौजूद है। वे इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं, और पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। दोस्तों, इसी तरह एक बड़े ही अफसोसनाक खबर सामने निकलकर आ रही है मुंबई दरगाह को लेकर के। जी हां,
हम जानते हैं कि मुंबई शहर को खुसूसी तौर पर आज जो है वो हाजी अली सरकार के द्वारा जाना जाता है। जो भी मुसलमान खुसूसी तौर पर मुंबई जाते हैं वो हाजी अली सरकार की बारगाह में जरूर जाते हैं, और यकीनन ये सादत वाली बात भी है, खुशनसीबी वाली बात भी है कि हम अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं। लेकिन अब आपको बता देना चाहता हूं कि इसी मुंबई शहर से एक दरगाह को लेकर के एक बड़े ही अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है, और जिस दरगाह के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस दरगाह का नाम है भले शाह पीर बाबा कादरी रहमतुल्लाह। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि दावा किया जा रहा है कि इसके हवाले से ये जो दरगाह है ये अवैध रूप से बनाया हुआ है, यानी ये सरकारी जमीन पर बनाया हुआ है, और यहां पर गलत तरीके से अवैध रूप के काम भी हो रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। और अब आपको बता दें, इसीलिए खुसूसी तौर पर कुछ लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस दरगाह को गिरा दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें, इस दरगाह की कमेटी के जो मेंबर हैं उनके द्वारा यह बात कही गई है, और इस बारगाह को लेकर के सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर यह दरगाह सरकारी जमीन पर है तो उसके लिए हमारा समाज उसका हर्जाना भरने को तैयार है, उसकी कीमत देने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोर्ट से ऐसी कोई खबर निकल कर सामने नहीं आई है कि इसका हर्जाना लेने के लिए कोर्ट राजी हो गया है। फिलहाल नोटिस पे नोटिस आते जा रहे हैं, और इस वक्त ऐसे बने हुए हैं कि खबर सामने आ रही है कि कभी भी इस दरगाह के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कभी भी इस दरगाह के ऊपर बुलडोजर चल सकता है, जो कि सच में बड़े ही अफसोस की बात होगी। दोस्तों, ये जो बारगाह है ये बिल्कुल समंदर के किनारे मौजूद है। दोस्तों, जब समंदर की बात आई है तो हम समंदर के बादशाह, जिन्हें सरकार हाजी अली के नाम से जाना जाता है, तो हम उनकी बात क्यों ना करें। जी हां, आपकी जो बारगाह है वो समंदर के बीचों बीच में मौजूद है, और ये बड़ी करामाती दरगाह मानी जाती है। हर मजहब के लोग आपकी बारगाह में जाते हैं, हर मजहब के लोगों की आपकी बारगाह से आस्था जुड़ी हुई है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर कोई आपकी बारगाह में जाना पसंद करता है। रोजाना हजारों की तादाद में लोग आपकी बारगाह में आते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग इस बारगाह में आते हैं। और खुसूसी तौर पर ये जो है कि समंदर के बीचों बीच में होने के बावजूद भी कभी नहीं डूबती है, और ना ही समंदर की एक लहर या समंदर की एक बूंद जो है वो आपकी बारगाह तक आ सके, तो ये अल्लाह के वली की शान है, अल्लाह के वली की करामत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले भी एक खबर सामने निकल कर आई थी कि हो सकता है कि हाजी अली दरगाह के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो जाए। जी हां दोस्तों, इस तरह की खबरें सुनने में आई हैं, ये सच में बड़े अफसोस की बात है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन देश के हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। हमें किसी भी तरह से किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें सिर्फ अमन और भाईचारा बनाकर रखना है, क्योंकि इस देश की यही खूबसूरती है। दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है, और जिसने भी सब्र किया अल्लाह ने उसे बड़ा अता किया। दोस्तों, ये परेशानियों का दौर है, इम्तिहान का दौर है, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर जाता है। हो सकता है कि ये हमारे लिए मुश्किलों भरा दौर हो, लेकिन आने वाले वक्त में ईशा अल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे, और ये जो देश के हालात को खराब करने की चंद लोग कोशिश कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ करने वाला है। इसीलिए आप किसी भी तरह से घबराएं नहीं, किसी भी तरह का कोई गलत एक्शन ना ले जिससे देश की हालात खराब हो या फिर मुस्लिम कमिटी के ऊपर लोग उंगली उठाएं। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। फिलहाल ये एक बहुत बुरी खबर निकल के सामने आई थी, जो कि सच में मुझे लगा था कि आप लोगों को बता देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर भी एक बड़े ही अफसोसनाक बयान जारी हुआ है, और बुरी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जी हां, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही मजहब के मानने वालों का यकीनन दिल टूट जाएगा, दिल छलनी छलनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भी अल्लाह के वली की बारगाह है, इस बारगाह पे हर मजहब के लोग जाते हैं, तमाम ही मजहब के लोगों की इस बारगाह से आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वहां पर वो मिन्नतें मुरादें मांगते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला उन बंदों की जायज दुआओं को यकीनन कबूल फरमाता है,
और अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना पसंद करता है, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी मजहब से हो। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिद, दरगाह और मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, जो कि यकीनन अफसोस का मकाम है। यह देश यकीनन अमनो आमान और भाईचारा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से चंद सालों के अंदर ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और ये बात कही गई है कि हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वह असल में एक मंदिर है। जी हां, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो है उनके द्वारा यह कहना है कि जो लोग कह रहे हैं ये जो दरगाह है, ये मंदिर है, वो सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमन का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। खुशूसी तौर पर हम यह भी देख रहे हैं कि जो बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह घर हो, चाहे वह दुकानें हो, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो, वो मदरसे हो, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थी उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग तुड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, ये देश अमन का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं जो लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, और वहां पर भी यह बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए। यहां पर मंदिर ही मिलेगा, यानी लगातार हर बारगाह को तोड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और चंद शोहरत के लिए यह तमाम चीजें की जा रही है, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोच रहे हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है उसने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो आमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम ना उठाया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम आफत परेशानियां इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई वजूद ही नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वो करना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं कि आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं। जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रजा के लिए काम करेंगे, तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहां रहे हैं, इसलिए खुसूसी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि ये छोटी मोटी बारगाह नहीं है, ये अल्लाह के वालियों की बारगाह है, जहां पर अल्लाह की रहमतों नुजूल होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ।
तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।